हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं अगर आपने क्लास 11th और 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो MBBS के बाद आप और क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमारे माइंड के अंदर ये जरूरी क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा सिलेक्शन नीट के अंदर नहीं हो पाया तो हम क्या और कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होती है कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं कैरियर ऑप्शंस को आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर रहा होगा। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करूं, बस मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं, क्योंकि खाली एक MBBS ही कैरियर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अच्छा नाम बना सकते हैं और अपनी लाइफ जो है उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन दे सकती है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले बात करते हैं MBBS के बारे में, जिसका सभी जगह पे इतना ज़्यादा चर्चा होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो 5.5 साल के लिए आपको एक डिग्री करनी पड़ती है, MBBS डिग्री। फिर उसके बाद आपको 3 साल के लिए MD या MS करना पड़ता है, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकती है। अब हम बात करते हैं सैलरी कितनी आपकी रहती है। अगर आप सिंपल MBBS करते हैं तो उसके बाद आपकी जो सैलरी, आप हॉस्पिटल्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं एज ए जूनियर रेजिडेंट, आपकी सैलरी जो है 60,000 से लेके 1,00,000 तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे जाते हैं जॉब करने के लिए। फिर उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन MD या MS करते हैं तो उसके बाद आपकी जो पे होती है वो 1 से 2 लाख होती है, और जब आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपकी जो पे है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर मैक्सिमम बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं या एब्रॉड जाते हैं MBBS करने के लिए, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप प्राइवेट या एब्रॉड जाके MBBS कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अगर आपके पास है पैसा तो आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी हाई फी देनी पड़ती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको जो टीचर्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, आपको एजुकेशन जो है काफ़ी अच्छी मिलती है। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनके अंदर जो एजुकेशन होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और अभी हर एक बच्चे को नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, चाहे आप प्राइवेट से करते हैं या गवर्नमेंट से करते हैं, MBBS डिग्री कम्प्लीट करने के लिए आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना ही देना पड़ता है। तो अभी ये सारी चीज़ें सेम हो चुकी है। इसके अलावा आप BDS भी कर सकते हैं, जो BDS इसकी फुल फॉर्म है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये 5 साल का कोर्स होता है और उसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो MBBS के बाद जो सेकंड मोस्ट जो बच्चे जिसको प्रेफर करते हैं वो BDS ही है। अगर हम इसकी सैलरी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 15,000 से लेकर 20,000 जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर मिलता है, और अगर आप अपना कुछ प्राइवेट सेटअप करते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन इसकी अगर हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो MBBS के अंदर नहीं जा पाते हैं वो सारे के सारे BDS में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो BDS कॉलेजेस होते हैं वो भरे हुए होते हैं, और लेकिन वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसके बाद हमारे पास आता है BAMS, जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके लिए आपको जो कोर्स होता है वो 5.5 साल का होता है, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन है इससे एक डिजीज तो ठीक होती है, लेकिन और ज़्यादा डिसएडवांटेजेस इसकी जो है काफ़ी बैड इफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं इसके कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते हैं। अगर हम इसकी सैलरी की बात करते हैं वो 30,000 होती है पर मंथ, लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसके अंदर आपको जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है, जैसे कि संस्कृत, वो थोड़ा बहुत हैक्टिक हो सकता है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है प्लांट्स के बारे में जानना तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे स्कोप मिल रहा होगा और काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे सैलरी मिल रही होगी। फिर उसके बाद आता है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो कोर्स है ये 5.5 साल का होता है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। जितने भी अभी तक मैंने आपको कोर्स बोले उनके लिए आपको कंपलसरी 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, और वहाँ पे आपको पे भी मिल रहा होता है। इसकी जो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और सैलरी भी जो है वो काफ़ी कम मिल रही होती है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास BVSC, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है। यहाँ पे काम कर सकते हैं एज एन एनिमल डॉक्टर, एनिमल फूड कंपनीज के अंदर रिसर्च के अंदर जा सकते हैं, या वेटरनरी सर्जन बन सकते हैं। काफ़ी अच्छी एक ब्रांच है जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल रहा होता है। अगर मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा, मेरा एक कज़न था जिसने 1-2 अटेम्प्ट नीट के अंदर दिए थे लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसने BVSC कर ली,
और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और फिर उसकी एक जॉब लग गई। वो एक अभी एक वेटरनरी सर्जन की पोस्ट पे काम कर रहा है और उसकी एक अच्छी खासी पे चल रही होती है। लेकिन अगर वहीं पे वो काम करता, वो लोगों की बातें सुनता और नीट को फिर से देता, क्या ही गारंटी थी कि उससे सिलेक्शन हो पाता। लेकिन उसने राइट टाइम पे अपना डिसीजन बना लिया, बीबीएससी कर ली। उसको बहुत सारे रिलेटिव बोल रहे थे कि आप फिर से कर लो, फिर से नीट दे दो। उसने नहीं माना, उसने अच्छा लगता था वही किया और आज वो एक अच्छे पोस्ट में है और उसको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही होती है। तो आपको भी सेम चीज़ करनी है, जिसमें आपका मन लग रहा है, जिस काम को करने में आपको मज़ा आ रहा है, उसी में जाइए, उसी के अंदर कुछ अच्छा करके दिखाइए। इसके बाद बीएससी नर्सिंग एक और बनाना चाहती है। आप यहाँ पे 4 साल का एक कोर्स होता है, दो बहुत मेल्स और फीमेल्स के लिए होता है, लेकिन जो फीमेल्स है वो प्रेफर होती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू मेल्स। यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही होती है और उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी अच्छी है। आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। जॉब कर सकते हैं एज अ नर्स इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, एजुकेटर के आप पर्पज उसको भी सर्व कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही होती है। तो गाइज, ये थे कुछ कैरियर ऑप्शन जो कि आप परस्यू कर सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन एमबीबीएस के अंदर नहीं हो पाता है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो उसके लिए अगर आपको कितने भी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे वो कम है। अगर आपको लगता है कि मैं नीट निकाल सकता हूँ, ऑलरेडी आपने 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं, तो आप इनमें से किसी भी जो ब्रांच है उसके अंदर जा सकते हैं और वहाँ पे रह के आप फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं नीट के लिए। तो फिर अगर आपका सिलेक्शन हो पाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कैरियर ऑप्शंस हैं, आपको इंटरनेट में ईजिली मिल जाएंगे, तो आप उनको खुद वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने 10 सारे दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।